महाराष्ट्र सरकार द्वारा तीर्थ क्षेत्र को जोड़ने वाली योजना के तहत राज्यों में पालकी मार्गों का निर्माण किया गया है। उसमें बुलढाणा जिले के शेगांव संत गजानन महाराज नगरी से पंढरपुर के विट्ठल मंदिर तक पहुंचने के लिए यह पालकी मार्ग लगभग 465 किलोमीटर का बनाया गया है। यह मार्ग अलग अलग कंपनियों के ठेकेदारों के माध्यम से 2 साल में ही पूर्ण किया गया है, लेकिन बुलढाणा जिले में ही इस पालकी मार्ग के हालात खराब होते नजर आ रहे हैं। इस रास्ते पर दरार पड़ी है तो ठेकेदार ने किए कामों की धज्जियां उड़ाता है। आपको बता दें, यह कंपनी गांव में कुछ अधूरे काम छोड़कर चली गई। ऐसा होने के बावजूद भी यहां ठेकेदार ना तो सांसद की सुनते हैं और ना ही विधायक की। इस बारे में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी तक शिकायतें दर्ज की गई हैं, लेकिन इसका कोई असर होता नहीं दिख रहा है। अगर ऐसे करोड़ों रुपए की लागत से तीर्थ क्षेत्र को जोड़ने का काम सरकार करती है, क्या इसे अच्छा बनाने का काम सरकार का नहीं है? इन ठेकेदारों पर नजर रखने वाली MSRDC का नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होते देख रहा है। बुलढाणा से संवाददाता गणेश सवटकर की रिपोर्ट। जिस मार्ग पे खड़ा हुआ है सेगांव पंढरपुर मार्ग, 465 किलोमीटर का ये मार्ग जो राज्य सरकार को तीर्थ क्षेत्र जोड़ने के लिए बनाया गया है, लेकिन 2 साल में ही इस जो रास्ता है, इस रास्ते की जो हालात है, यहाँ पर आपने को देख सकते हैं कि किस प्रकार से बड़ी बड़ी जो दरारे हैं, इस दरारे इस रोड पर गिर गए हैं, जिसकी वजह से जो दो पहिए वाले वाहन धारक है या चार पहिए वाले वाहन धारक है, उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर राज्य सरकार इन तीर्थ क्षेत्रों को जोड़ने के लिए ऐसे रास्तों का निर्माण करती है तो इस पर काम करने वाली MSRDC जो इस ठेकेदारों पर नजर रखने के लिए होती है, क्या उन्होंने इसके बारे में उन्हें ताकीद नहीं देनी चाहिए? इसके बारे में जो केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी, उनके पास भी शिकायत की गई है, लेकिन इसका असर यहाँ पर कोई देखने को नहीं मिला। इस एरिया के जो विधायक है, सांसद है, उन्होंने भी इसके बारे में जो कंपनी इसके बारे में शिकायत की है, लेकिन कुछ भी असर इस पर हुआ नहीं है। कई गांव के जो छोटे मोटे काम है वो भी यहाँ पर जो कंपनी है वो छोड़कर चली गई है, लेकिन आप देख सकते हैं कि करोड़ों की लागत से बने इस रास्ते की हालत किस प्रकार से है। क्या इस बारे में अब राज्य सरकार है जो MSRDC से इसके बारे में कोई एक्शन लेगी या नहीं लेगी? मैं गणेश सौरभ, MKN के लिए, कैमरामैन विशाल के साथ बुलढाणा।